भारतीय जनता दल यू के शिवहर से लोकसभा के उम्मीदवार श्रीमती लवली आनंद जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज सब जो यहां पर बहनों और भाइयों की उपस्थिति है, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और हम तो यही आग्रह करने के लिए हम सब लोग आए हैं कि श्रीमती लवली आनंद जी को काफी मतों से विजयी बनाइएगा, यही हम लोग आग्रह करने आए हैं। उन्होंने तो अपनी कुछ बातें आपको बताई है और आप जानते हैं, आपको मालूम है कि जब हम लोग काम कर रहे हैं 2005 से और उसके पहले और लोग जो अपना दावा करते हैं, ये वाले जो भी हैं, तो इन लोग क्या करते थे, शाम के बाद तो घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था, पढ़ाई भी ठीक ढंग से नहीं होती थी, लोगों के इलाज का भी काम नहीं था, तो ये सब बुरा हाल था। और जब हम लोग आए 2005 में, हम लोगों को नवंबर में मौका मिला तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया और एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया। अब आप किसी भी प्रकार का डर एवं भय का वातावरण नहीं है, राज्य में प्रेम भाईचारा और शांति का माहौल है, तो हम लोगों ने एक एक तरह से काम करा दिया हर प्रकार से। अब आप जानते हैं, पांचवी कक्षा के बाद लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, तो हम लोगों ने एक एक तरह से सबके पढ़ने का इंतजाम, सब तरह का इंतजाम हम लोगों ने कराया। और उसके बाद आप जानते हैं, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना, और आप लड़कियों के लिए तो हमने साइकिल योजना शुरू की, अब बाद में लड़कों ने भी मांग किया तो उसके लिए भी हमने साइकिल योजना, तो कोई साइकिल चलाता था जी, तो साइकिल योजना तो हम शुरू करा दिए। अब बच्चे लोगों को मालूम होना चाहिए, 18 साल का जो है उसको एक एक मालूम होना चाहिए, काम हुआ है पहले ही से, तो एक एक तरह से काम है, किसी को भूलना नहीं चाहिए कि हर प्रकार से हम लोगों ने हर तरह से काम कराया। तो आप जानते ही हैं कि हर तरह से हम लोगों ने लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, हर तरह से, और शिक्षकों की बहाली की, हर प्रकार से एक एक तरह से हम लोगों ने काम जो किया, तो सब जगह अब लड़कियों की पढ़ाई शुरू हुई। और आप समझ रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सारा काम किया गया। अब क्या होता था, 2006 से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर की उपस्थिति करवाई तथा यहां मुफ्त दवा और स्वास्थ्य जांच की सुविधा की गई। और आप जानते हैं उसके पहले क्या होता था, एक महीना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुश्किल से 39 लोग आते थे, यानी एक दिन में एक या दो। और अब इतना ज्यादा सब कुछ काम कर दिया गया कि सब लोग अब जाते हैं, अब जो आप समझ रहे हैं कि हर महीने 11,000 तक लोग जाते हैं। तो एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया, पढ़ाई का काम, स्वास्थ्य का काम, आने जाने का रास्ता, एक एक तरह से काम किया। अब सब जगह से जो भी स्थिति थी, क्या स्थिति था, अब आप समझ रहे हैं कि पूरे तौर पर, और महिलाओं को कितना हमने किया, इंटर पास करने पर 25,000 रुपया देते हैं और स्नातक पास करने पर 50,000 रुपया देते हैं। अब आप जानते ही हैं कि किस तरह से हम लोगों ने बालिका शिक्षा का कुल प्रजनन दर में कमी आई, पहले कोई प्रजनन दर में कमी नहीं थी। तो अब उसके बाद स्थिति क्या हुआ, 2005 में प्रजनन दर 4.3 था, अब घट करके चुकी लड़कियां पढ़ रही हैं, तो उसके चलते अब एक साल पहले ही रिपोर्ट आ गया है कि अब घट करके प्रजनन दर 2.9 हो गया। तो हर तरह से पूरे तौर पर चारों तरफ से हर प्रकार से हम लोगों ने एक एक तरह का काम करना शुरू किया और हम लोगों ने सबके के लिए काम किया। आप समझ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था,
हम लोगों ने झगड़ा को बंद करा दिया। जाने दीजिए। अरे तो पहले कहा है, हम ही लोग ना बनवा दिए जी। जाने तो अच्छे ना लगता है, सब जगह जाता है। हम तो इसके भी ना रहे केंद्र में, श्रद्धे अटल जी की सरकार में हम तो रहे ना, तो कितना जगह हम बनवाए हैं, कितना काम करवाए, आगे भी जब हम आए हैं तब काम करवाए। तो आप समझ लीजिए कि हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा कितना होता था। आप कोई झगड़ा होता है, आप बोलिए। हम लोग और आप जो लोग साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि पूरे तौर पर अब पहले जितना भी काम ये लोग करते थे गड़बड़ सड़बड़, अब उस सब को बंद कर दिया। अब आप जानते हैं कि लोग मदरसों के लिए भी कोई इंतजाम नहीं करते थे। हम लोगों ने मदरसों के लिए शिक्षकों की को वहां के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर दिया। और बोले हिंदू मुस्लिम जो झगड़ा होता था, तो आप समझते थे कि कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं थी, हमने कराया 2006 के बाद 8000 से ज्यादा, अब 1000 और आया है, उसका भी पूरा का पूरा करा रहे। अब कहीं कोई झगड़ा नहीं है, इसलिए मुस्लिम समाज के लोगों को भी जानना चाहिए कि पहले तक झगड़ा आपस में होता था। आप वोट उसी को दीजिएगा जो लोग आपको ठीक कर दिया, अब उसके बाद आप इधर उधर करिएगा, इधर उधर करिएगा तो कभी ठीक काम करेगा वो, फिर इधर उधर सब करने लगेगा। इसलिए याद रखिए, और सब तरह से कौन कौन काम किए हैं जी। आप जो बोल रहे हैं, तो हम लोग जो पंचायत में क्या किया, हमने 50% महिलाओं का कर दिया, और उसमें तो हिंदू मुस्लिम सब है। अब 4 चुनाव हो गया पंचायत में, 6 में शुरू किए, और 2007 से हम लोगों ने शुरू कर दिया नगर निकाय का, तब दोनों का तो 4-4 चुनाव हो गया, कितना हो गया, आ कितनी पढ़ाई हो रही है। और आपको ये भी बता देंगे कि आप समझ रहे हैं कि स्वयं सहायता समूह देश भर में, और वहां पर महिलाएं स्वयं सहायता समूह में रहती थी। हम बाहर जब केंद्र में मंत्री या एमपी थे तो हम घूमते रहते थे, देखते थे, लेकिन 5 में जब हम लोग आए, 6 में देखा कि यहाँ स्वयं सहायता समूह में बहुत कम जगह पर है और बहुत कम महिलाएं। तो हम लोगों ने कहा कि भाई तो बड़ा गड़बड़ है बिहार में, दूसरे जगह तो है। तो हमने यहाँ पर वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह का विस्तार कराया, और आपको मालूम है कि अब स्वयं सहायता समूह की संख्या कितनी हो गई। आप समझ रहे हैं, 1,51,000, और उसमें महिलाओं की कुल संख्या हो गई 1,31,00,000, और हमने उसका नाम दे दिया जीविका। हम जीविका दीदी कहते हैं, और जब हम कह दिए कि वहां के महिलाओं को जीविका दे दिया, और उसी समय केंद्र वाला हम लोगों के खिलाफ था, वो आया था देखने के लिए, और देखा का स्वयं सहायता समूह तो आप बढ़ाए हैं जी, हमको कहा, और उसका कहा आप नाम दे दिए हैं जीविका, तो हम पूरे देश में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का नाम पूरे देश में हम आज जीविका कर दे रहे। बोलिए हम जीविका किए, आज जीविका वहां किया, तो आप सोच लीजिए कि हम लोग कितना बढ़ाए। अब आपको बता ही दिए कि कितना ज्यादा, आप तो हम शहरी क्षेत्र में भी शुरू करा दिए। तो याद करिए ना कि सबको पंचायत के चुनाव से लेकर नगर निकाय के चुनाव से लेकर के शिक्षा में पढ़ाई में हर जगह एक एक काम करके, और स्वयं सहायता समूह का अब कितनी महिलाएं बढ़ी। अब पूरे तौर पर भाई हम लोगों का तो शुरू से था कि लड़का और लड़की दोनों को बढ़ना चाहिए, इसलिए हमने पूरा काम किया। और आज क्या स्थिति, कहां पहले कहीं कोई महिला आती थी, अब आज देख लीजिए महिलाएं आती थी।